नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पत्रकारों के साथ ठेकेदार की अभद्रता, फर्जी मुकदमे में फंसाने की दी जा रही है धमकी, उप जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। मामला महोबा जिले के विकासखंड जैतपुर के ग्राम मुंडारी का है, जहां 1,20,00,000 रुपए की लागत से गौशाला बनवाई जा रही है। जब इस गौशाला में खबर कवर करने के लिए बुंदेली बौछार से पत्रकार भरत त्रिपाठी व मोबाइल न्यूज 24 से पत्रकार प्रवीण पटेरिया गए थे, वहां पर मौजूद ठेकेदार द्वारा दोनों पत्रकारों से अभद्रता की गई और कहा गया यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाओगे, अगर वीडियो बनाई तो महिलाओं को आगे करके तुम लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखवा दूंगा। गौशाला के निर्माण कार्य में देसी ईंटों का उपयोग किया जा रहा है और मुरम मिक्स बालू से घटिया किस्म की इस्तेमाल की जा रही है, डस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी एस्टिमेट का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि सरकारी काम लोकल ईंटा पूरी तरफ से वर्जित है। एक तरफ योगी सरकार पत्रकारों की सुरक्षा की बात करती है और एक तरफ उनके ही जनप्रतिनिधियों के चहेते ठेकेदार पत्रकारों से अभद्रता कर दुर्व्यवहार करते हैं। इस घटना को संज्ञान में लेकर तमाम पत्रकार साथियों ने कुलपहाड़ SDM को ज्ञापन दिया और कहा कि शीघ्र जांच कर उक्त ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, नहीं की गई तो हम सभी पत्रकार अनशन पर बैठेंगे। रिपोर्टर विजय शर्मा की रिपोर्ट। आपका दादा भायमलाल, क्या घटना घटी अभी वहाँ पर? हम लोग देखने गए थे, पत्रकारों को घुसने नहीं दिया। कहाँ पर? गौशाला में। कौन से गांव में? मोहारी। और वहाँ पर जब भी बोल रहे थे कि पुलिस को बुलाओ, आप कहाँ से आए, कौन हो, और हमारे पत्रकारों को वहाँ घूमने नहीं दिया। कैसा काम हो रहा है दादा वहाँ? वहाँ कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत त्रिपाठी है, मैं बुंदेली बौछार से जिला संवाददाता हूँ। महोबा से? हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं आज यहाँ आप? तहसील परिसर में काफी पत्रकार बंधु देखे गए हैं, शायद संवाददाता SDM का प्रार्थना पत्र भी लिए हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या घटना घटी है, क्या घटनाक्रम है जो आप यहाँ आए हुए हैं? मैं और मेरे पत्रकार साथी प्रवीण पटेरिया आज हम लोग जैतपुर महुआ जिले के जैतपुर विकासखंड के ग्राम मुढ़ारी में 1,20,00,000 रुपए से काना गौशाला का निर्माण हो रहा था जी। तो वहाँ पे खबर बनाने के लिए गए हुए थे हम दोनों लोगों को देखकर वहाँ पे ठेकेदार और ठेकेदारी के मुनीम बौखला गए और हमसे कहा उन्होंने कि यहाँ पे किसकी परमिशन से आए, हमने गांव वाले भी आए हैं साथ में, तो यहाँ पर किसकी परमिशन लगती है? बोली नहीं, यहाँ पे कोई वीडियो वीडियो नहीं बनेगी, ना यहाँ पे कोई पत्रकारिता करता है हमारे कामों में। हमने, आप अगर सही काम कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, आप अगर गलत काम कर रहे हो तो आप तो आपको डर होगा। तो फिर उन्होंने, उनके जो ठेकेदार हैं, उनने उनको फ़ोन किया और कहा कि महिलाओं को आगे करो और इन पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखवा दो पुलिस बुलाकर। सर, ऐसे घटनाक्रम को लेकर के समाज का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, अगर ऐसी घटनाएं घटी और तो फिर किस तरीके से आप लोग पत्रकारिता कर पाएंगे, इस विषय में प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा? पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ जरूर होता है और हमारी योगी सरकार एक तरफ पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और इस प्रकार की घटनाओं की निंदा भी करती है और कार्रवाई की भी मांग करती है, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नहीं होता है। योगी सरकार ही चुनिंदा ठेकेदार वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। इस विषय में आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अगर हमने SDM कुलपहाड़ महोदय को फ़ोन से अवगत करा दिया था इस मामले में, उन्होंने वीडियो जैतपुर प्रशांत यादव के लिए बोला था कि मैं उनसे कह के जांच करा दूँ और अभी हम SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। सर, मोबाइल न्यूज 24 से हूँ। मैं कवरेज करने के लिए मुढ़ारी गया था, मुझे पता चला था कि यहाँ रद्दी कार्य हो रहा है ग्रामीणों के द्वारा जी, तो मैं वहाँ गया था तो ठेकेदारों के द्वारा, जो ठेकेदार हैं और उनके मुनीम हैं, उन्होंने दबंगयाई की हमारे साथ, यानी धक्का ढुक्की करने की कोशिश की। किस बात पे मैटर बढ़ गया था महोदय? बोले आप किसके परमिशन से यहाँ आए हैं जी निरीक्षण करने के लिए जी, ये कह रहे थे वो। तो सर, इस पत्रकारों के साथ में ऐसे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आम पत्रकार साथियों को और जनता को? जैसे ये अभद्र घटना आपके साथ में अभद्रता की गई है, तो इस विषय पे
किस विषय पे आप प्रकाश टिप्पणी डालना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि पत्रकारों के साथ ऐसे ही हर जगह होती है, जहाँ देखो वहाँ ठेकेदार दबंग लोग करते हैं घटिया काम करवाते हैं और पत्रकारों को दबंगियाई दिखाते हैं, मानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? ब्रजेंद्र द्विवेदी, तहसील अध्यक्ष, संयुक्त मीडिया क्लब। आज पत्रकारों के साथ जो मुढ़ारी में गौशाला में कवरेज करने के दौरान पत्रकार गए थे, उनके साथ जो अभद्रता की गई ठेकेदार के द्वारा, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मामला संज्ञान में आया है। हमारे छोटे भाई भरत त्रिपाठी एवं प्रवीण पटेरिया जी, जो हमारे साथ के पत्रकार हैं, उनके साथ अभद्रता की गई है, मामला संज्ञान में आया है। उपजिलाधिकारी से मिलकर अभी कार्रवाई की बात की जा रही है। अगर उपजिलाधिकारी महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे, ठेकेदारों की जांच नहीं कराएंगे एवं विधिक कार्रवाई नहीं कराएंगे, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हम कल से धरना प्रदर्शन ही करेंगे अगर पत्रकार साथियों को न्याय नहीं मिला तो। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि देश और दुनिया के किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के